भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के इन वीर जवानों ने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारे जवान बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने देश की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े रहते हैं। भारत माता के ऐसे ही बहादुर सैनिकों में से एक नाम था मेजर शैतान सिंह का, जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इन्होंने इस युद्ध में अपने सैनिकों का बखूबी प्रोत्साहन किया। मेजर शैतान सिंह इस युद्ध में बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनकी मौत के बाद इन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया। मगर क्या आप जानते हैं कि इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा दिए थे। एक एक सैनिक 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ा था। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी भी एक सैन्य अधिकारी थे। पिता के ही तरह बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सैनिक बनने का सपना पूरा भी हुआ। 1 अगस्त 1949 को ये जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। आगे जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय भी शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। 1962 में इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इन्हें प्रमोशन दे दिया गया और तब इन्हें मेजर का पद मिला। आगे चलकर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशुल सेक्टर पर तैनात कर दिया गया। सीमा रेखा से 15 मील की दूरी पर चुशुल सेक्टर सीमा विवाद में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। बटालियन में थे 120 सैनिक। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। 13वीं कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व के रेजांग ला के एक स्थान पर रोक दिया गया। ये स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। 18 नवंबर की भयानक ठंड में 120 सैनिकों की कमान मेजर शैतान सिंह को दी गई। पहले कभी भी उन सैनिकों का ऐसी ठंडी जगह से पाला नहीं पड़ा था, फिर भी वे इस ठंड में भरी रात देश की खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के आदी थे, पर मेजर शैतान सिंह के जांबाज सिपाहियों के जोश के सामने वो भयंकर ठंड भी बेअसर थी। उनके फौलादी जोश के सामने दुनिया का कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाता। दुश्मनों के मुकाबले थे कम सैनिक और हथियार। जब भारतीय सैनिकों को सूचना मिली कि दुश्मन 18 नवंबर को बड़े सैन्य दलों के साथ हमला करने की फिराक में है, ऐसी परिस्थिति में मेजर ने अपने सीनियर्स और सैनिकों से मदद मांगी। उस समय सीनियर्स भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने मेजर को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने का ऑर्डर दिया। पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, जो मेजर और उनके सैनिकों को कतई मंजूर नहीं था। जहां एक तरफ 3000 से भी अधिक चीनी सैनिकों के पास आधुनिक शस्त्रों का जखीरा और गोला बारूद अधिक मात्रा में मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह के पास केवल 120 सिपाही और कुछ हथियार व गोला बारूद थे। ये भी वो हथियार थे जिन्हें विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दे दिया गया था। बहरहाल अचानक चीनी दुश्मनों ने हमला शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय जवान भी दूसरी तरफ से फायरिंग करने लगे। अब दोनों तरफ से हमला जारी था। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। तभी चीनी सैनिकों ने मोर्टार तथा रॉकेटों की मदद से भारतीय बंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय बंकरों का बचना मुश्किल लग रहा था। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह घिर चुके थे। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मेजर शैतान सिंह के प्रोत्साहन ने सैनिकों में जोश भर दिया। लगातार दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ ही कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि आज उनकी शहादत का दिन है। मगर उन जवानों में रत्ती भर भी मौत का डर नहीं था। अंतिम सांस तक लड़ते रहे मेजर। मेजर शैतान सिंह भी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। वे साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगातार अपने सैनिकों का उत्साह भी बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेजर शैतान सिंह को आकर लगी। इससे वे धराशायी हो गए, मगर उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। उन्हें कुछ सैनिक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे,
पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया और अपने सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मशीन गन को एक रस्सी की मदद से अपने पैरों में बंधवा लिया था। वे हाथों पर जख्मों की वजह से अपने पैरों की मदद से मशीन गन चला रहे थे और दुश्मन पर लगातार हमला कर रहे थे। वे अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे और 18 नवंबर 1962 को देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। एक एक सैनिक था 10 पर भारी। आगे चलकर सुबह पता चला कि भारतीय वीर सपूतों ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थीं, जबकि 120 भारतीय सैनिकों में 114 सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो चुके थे। बचे हुए 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। खैर, उस स्थान पर ठंड बहुत थी, इस वजह से सैनिकों की लाशों को उस वक्त ढूंढ पाना मुश्किल था। युद्ध के 3 महीने बाद जब उस इलाके की बर्फ गली तो शहीद मेजर शैतान सिंह और उनके कुछ बचे साथियों के शव बरामद किए गए। दिलचस्प बात यह है कि जब शहीद मेजर शैतान सिंह की लाश को बरामद किया गया तब भी उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। हालांकि इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी, मगर उसको ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को हमारे देश के वीर सपूतों ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे पता चलता है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक एक सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी था। मेजर शैतान सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने उनके कुशल नेतृत्व और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया। और इस तरह भारतीय सेना के परम वीर मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ चीनी सैनिकों के छक्के छोड़ा दिए थे। और इसी के साथ इन्होंने भारतीय सैनिकों की अनेक शौर्य गाथाओं में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी को उनके अदम्य साहस के लिए देश हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।